तो सबसे पहले आपको एक गूगल शीट या तो फिर अपने लैपटॉप के अंदर जो भी एक्सेल है माइक्रोसॉफ्ट का वो भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन इस तरीके से आपको एक एक्सेल शीट क्रिएट कर लेनी है जिसके अंदर सबसे पहले आएगा डेट, उसके बाद आएगा टाइप, उसके बाद आएगा वेबसाइट, DAPA, IP एड्रेस, टारगेट पेज, कीवर्ड, टाइप ऑफ बैकलिंक्स, अप्रूव लिंक, पिंग, यूज़र नेम, पासवर्ड, गूगल इंडेक्स, जो स्टेटस है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। ओके, डेट के अंदर सबसे पहले डेट आएगी। टाइप में आप कौन से टाइप की बैकलिंक क्रिएट कर रहे हो, जैसे कि प्रोफाइल क्रिएशन है, क्लासिफाइड सबमिशन है, बिजनेस लिस्टिंग है, इस तरीके से। उसके बाद है वेबसाइट, तो कौन सी वेबसाइट के ऊपर आप लिंक बिल्डिंग कर रहे हो, ये वेबसाइट आपको फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे करनी है आगे लेक्चर में देखेंगे गाइज, लेकिन स्किप मत करना वरना आपको प्रोसेस पता नहीं चलेगा। DAPA क्या होता है अगर नहीं पता तो कमेंट कर लीजिएगा गाइस। बेसिकली डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी होता है। IP एड्रेस हर एक वेबसाइट का होता है। टारगेट पेज के अंदर आपको क्या करना है, जो पेज आपकी कंपनी का है जिसको आप ऑप्टिमाइज करना चाहते हो, आइदर ये आपकी वेबसाइट भी हो सकती है, आइदर ये आपका गूगल मैप बिजनेस का पेज भी हो सकता है। उसके बाद कौन से कीवर्ड के ऊपर आप रैंक करना चाहते हो कीवर्ड को, वो यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद डू फॉलो नो फॉलो लिंक यहाँ पे लिख देनी है। देन अप्रूव लिंक आपको यहाँ पे लिखनी है। अप्रूव लिंक कहाँ से आएगी तो आगे लेक्चर के अंदर उसको देखने वाले समझने वाले डिटेल में। पिंग, यूज़र नेम और पासवर्ड जो आप ID क्रिएट कर रहे हो। उसके बाद गूगल इंडेक्स का मतलब है कि आपकी लिंक को गूगल ने इंडेक्स किया या नहीं किया, ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है क्योंकि ये पूरा काम हम इसीलिए कर रहे हैं कम्प्लीटली कि ये गूगल में इंडेक्स हो हमारा पेज। सो गाइज यहाँ से जो डिटेल आएगी वो आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल सिखाएगी, तो स्किप मत करना, वीडियो को कंप्लीट देखना ताकि आपको फिर बाद में क्वेश्चन ना हो कि सर ये आपने कैसे किया। तो इसके बाद आपको क्या करना है, जब शीट कंप्लीट हो जाए नए ब्राउजर नए टैब के अंदर आ जाओ और यहाँ पे लिखो सबसे पहले बिजनेस लिस्टिंग साइट्स। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपका लोकल बिजनेस है आपको अपने बिजनेस को लिस्ट आउट करना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर। ओके, यहाँ पे मैंने मेरे फ्रेंड का एक बिजनेस है, विद देयर परमिशन मैंने ये लिया है फॉर योर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे इसको पेश करेंगे साइट में और उनकी वेबसाइट देखेंगे, उनका बिजनेस लिस्टिंग भी है। मैंने दोनों को ऑप्टिमाइज़ किया और दोनों के ऊपर आपको अच्छे से रिजल्ट भी मिलेंगे अगर आप सही से मेहनत करोगे। ये उनकी वेबसाइट है। अभी हमें करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले बिजनेस लिस्टिंग साइट्स फाइंड आइडेंटिफाई करना है। जैसे ये लिस्ट आ जाता है आपके पास, आपको क्या करना है, इसमें से जो भी वेबसाइट्स है उसको वन बाय वन आपको यहाँ से ओपन करना है। उसके अंदर जितनी भी साइट्स है उसको वन बाय वन आपको चेक करना है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वन बाय वन एक 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 साइट लेंगे और इसको हम चेक करेंगे। अभी यहाँ पे साइट हम फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, इसको हम सिंपली यहाँ पे ऐड कर देंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखना क्या है, सबसे पहले ये देखना कि साइट वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो इसको कॉपी करो और इसका DAPA चेक करो। DAPA चेकर लिखोगे तो इस तरीके से DAPA चेकर आ जाएगा। यहाँ से सिंपली इसको ओपन करके आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट को पेस्ट करके फिर चेक कर सकते। सॉरी, तो यहाँ पे गाइज आपको रिजल्ट मिल गया है, याल्वा करके है साइट, इसमें DA 34 है, PA 51 है यहाँ पे और स्पैम स्कोर है 1। स्पैम स्कोर हमेशा 3 से कम होना चाहिए, 1 से 3 के बीच में होना चाहिए, अगर ज़्यादा है तो उसको मत लो। DAPA 34 है और 51 है। ट्राई करो वेबसाइट आपको डू फॉलो लिंक दे और उसका जो DA है वो 30 के अप हो या तो 20 के अप हो अगर डू फॉलो है तो। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, ये वेबसाइट हमें मिल गई, ये इसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे इसको शीट के अंदर पेस्ट कर देंगे। तो हमने
शीट के अंदर इसको पेस्ट कर दिया, डीए लिख दिया, पीए लिख दिया, अब आईपी एड्रेस कैसे मिलेगा? तो उसके लिए भी वेबसाइट है, जैसे कि हम डीए पीए चेकर करते हैं वहाँ पे ही आपको एक टूल मिल जाएगा जिसके थ्रू आप कर सकते हो। देखो जैसे कि यह प्री पोस्ट एसईओ है, तो इसके अंदर अगर हम ये टूल गाइज आप यूज़ करना, बहुत ही अच्छा टूल है, इसके अंदर अगर हम पेस्ट करें तो हमें इजीली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कि ये जो साइट जो हमारी थी इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एंड देन चेक ऑथोरिटी करते हैं, तो यहाँ पे हमें कम्प्लीटली डिटेल मिल जाएगी कि उसका डीए कितना है, पीए कितना है और आईपी एड्रेस कितना है। ओके, अभी आईपी एड्रेस को हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद हमें शीट के अंदर इसको पेस्ट कर लेना है एंड देन टारगेट पेज हमारा कौन सा था, ये वाला टारगेट पेज है, इसको ओपन कर लेंगे। देन यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमें लॉगिन करना पड़ेगा क्योंकि डिटेल फिल करनी है, तो उसके लिए लॉगिन तो करना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, और लॉगिन करने के लिए आपको एक ईमेल आईडी चाहिएगा, तो यहाँ पे टेम्प ईमेल लिख देंगे हम, तो यहाँ पे टेम्पररी ईमेल एक ऑप्शन आ जाएगा जहाँ से आप कोई भी टेम्पररी ईमेल आप यहाँ से ले सकते हो। इसको सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा वेट करना पड़ेगा गाइस, और यहाँ पे आपको एक टेम्पररी ईमेल आईडी मिल जाएगा, इसको कॉपी कर लो। देन यहाँ पे आपको यहाँ पे आ जाना है एंड देन यहाँ पे आने के बाद आपको लॉगिन का ऑप्शन देखना है वेबसाइट के ऊपर। बहुत सारी वेबसाइट के ऊपर आपको लॉगिन नहीं मिलेगा, साइनअप का ऑप्शन मिलेगा या तो फिर इस तरीके से लिस्ट ऑफ बिजनेस का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली जो भी ऑप्शन हो इसके ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद इनके बेसिक कंडीशंस होगी उसको फिलफिल करते हुए आपको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करना है, मेरी कैटेगरी फूड एंड ड्रिंक है, इसमें जाएंगे हम। इसमें जाने के बाद फूड को सिलेक्ट करेंगे और इसके अंदर आने के बाद हम सिलेक्ट करेंगे ओके फूड रेला करके इसको प्रोसीड कर देंगे। इसके अंदर अब आपको ईमेल आईडी यूज़र नेम देना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास तो आईडी है नहीं, तो नया क्रिएट करना पड़ेगा, रजिस्टर इन सेकंड करना है और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी को पेस्ट कर देना है और फिर यहाँ से आपको आई एम नॉट अ रोबोट करके रजिस्टर कर लेना है और यहाँ पे आपके बिजनेस की कंप्लीट डिटेल यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, जो डिटेल आपको अपनी साइट्स के ऊपर मिल जाएगी। इस तरीके से जो डिटेल है वो डिटेल में जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए कर रहा हूँ, आपको थोड़ा डिटेल खुद से लिखना पड़ेगा एंड देन आपकी वेबसाइट जो है उसको आपको पेस्ट करना पड़ेगा। आपकी वेबसाइट को आपको अप्रोप्रिएट प्लेस पे पेस्ट करना पड़ेगा, आपका कंपनी नेम लिखना पड़ेगा, कंपनी का लोगो अपलोड करना पड़ेगा, वेबसाइट कॉन्टैक्ट नंबर ये सब एंटर करके फिर आपको पोस्ट और एंट्री कर देना है। पोस्ट और एंट्री करने के बाद आपका जो भी लिस्टिंग है वो अप्रूव मतलब कि अप्रूव लिंक उसका आपको मिल जाएगा। कहीं केस के अंदर वेट भी करना पड़ता है तो वो आपको फिर उतने दिन का वेट करना पड़ेगा। इस तरीके से वन बाय वन जितनी भी साइट्स है सबके ऊपर हम ट्राई करेंगे, लॉगिन करेंगे, अप्रूव लिंक लेंगे और वो अप्रूव लिंक को हम शीट के अंदर इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे अब यहाँ पे एक टर्म है नो फॉलो। नो फॉलो क्या है तो हम अप्रूव लिंक के बाद देखेंगे। अप्रूव लिंक जो ये है हमें मिल गई थी क्योंकि ऑलरेडी मैंने लिस्टिंग करके रखा है ताकि हमारा टाइम सेव हो, तो इसको हमें क्या करना है सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके अगर हम ओपन करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगी ओके, ये हमारा लिस्टिंग है और इस तरीके से वेबसाइट है। यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर आपको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाना है। इंस्पेक्ट में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपकी लिंक डू फॉलो या नो फॉलो है। तो यहाँ पे आपको HRF के बाद यहाँ पे आपको टारगेट के अंदर ब्लैंक आएगा, उसके बाद है रिलेशन। तो रिलेशन के अंदर आपको देखना है नो फॉलो है या डू फॉलो है। डू फॉलो होगा तो नहीं लिखा होगा, नो फॉलो होगा तो प्रॉपरली मेंशन करेंगे ये लोग कि नो फॉलो है। तो यहाँ पे हमें स्टेटस में लिख देना है, यहाँ पे शीट के अंदर आ जाना है। यहाँ पे हमने लिख दिया नो फॉलो, अप्रूव लिंक आ गई। पिंग कैसे करना है बाद में देखेंगे। यूजर नेम आईडी पासवर्ड जो आपने टेम्पररी ईमेल आईडी यूज़ किया है वो और पासवर्ड जो भी आप रखोगे यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है। इसके बाद आएगा आपको गूगल इंडेक्स स्टेटस ओके। तो यहाँ पे आपको लिख देना है गूगल इंडेक्स स्टेटस, लेकिन कब लिखना है सबसे पहले पिंग कराना पड़ेगा क्योंकि इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपने एक इस तरीके से बैकलिंक क्रिएट की है।
तो क्या करना है आपको, कॉपी करना है अप्रूव लिंक को एंड देन यहाँ पे आपको लिखना है पिंगोमैटिक। पिंगोमैटिक लिखोगे तो इस तरीके से टूल आ जाएगा, ये टूल को ओपन कर लो गाइज एंड यहाँ पे आपकी वेबसाइट को पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको बिजनेस का नाम लिखना है, ओके इस तरीके से लिख के फिर आपको चेक कॉल करके यहाँ पे सेंड पिंग कर देना है। अभी गाइज आपको चेक करना है कि ये बिजनेस गूगल में आया कि नहीं आया, तो यहाँ पे आपको सर्च के अंदर इसको पेस्ट करके सर्च करोगे तो अगर ये लिस्टेड है गूगल सर्च के अंदर, आपको सर्च करना है, कभी भी यहाँ पे मत करना वरना साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे गूगल में जाके आपको सर्च करना है लिंक को, अगर ये लिंक ओपन होती है, सर्चेबल होती है, इट मीन्स कि ये वर्क कर रही है और इसको गूगल ने इंडेक्स किया है। अगर नहीं किया है तो फिर वो नहीं दिखेगी ऑब्वियसली, ओके। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, ओके। अभी क्या होगा, आपने जब पिंग सेंड किया तो वो रिक्वेस्ट चली जाएगी क्रॉलर को कि भाई ये वेबसाइट मैंने क्रिएट की है, क्योंकि खुद की वेबसाइट है तो गूगल सर्च कंसोल से आप कर सकते हो, लेकिन आप थर्ड पार्टी की साइट पर करते हो तो आप इसको पिंग कराना पड़ेगा और ये कंपलसरी 100% श्योर नहीं होता कि गूगल उसको इंडेक्स करेगा या नहीं करेगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर कहीं ना कहीं लिंक से वो हो जाता है, ओके। तो इस तरीके से गाइज आपको स्टेटस लिखना है, अगर वो इंडेक्स हो गई है, लिंक आपकी शो कर रही है तो यहाँ पे यस लिखना है, हमारे केस में नहीं कर रही थी तो हमने इसको नो लिख दिया है। टाइम टू टाइम आपको चेक करना पड़ेगा एंड उसके बाद ही आपको प्रॉपर रिजल्ट्स मिलेंगे, ओके गाइज। आई होप आपको समझ में आया होगा गाइज, अगर कुछ भी दिक्कत है, कहीं पे भी कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर देना गाइज, कोई भी टर्म समझ में नहीं आ रहा है तो भी इन्फॉर्म कर लेना, आपको कोई भी क्वेश्चन है तो भी मुझे कमेंट में लिख देना गाइज, ओके। और हाँ गाइज, वीडियो बनाने में 20 और गाइज वीडियो बनाने में 7 से 8 घंटे लगते हैं, लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब करने में सिर्फ 7 सेकंड लगती है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइज, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।